नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्द्र मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिंगर का सिंगर बना उसी का जो मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ और मंडे के लिए मतलब 7 मार्च 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाई लेवल सेल लेवल इंसेंट अवर 100 डे ईवीएम स्ट्रेटेजी जीवीएम स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ये सब आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। जो इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारा स्ट्रेटजी स्टेपिंग्स है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारा स्टॉक मार्केट में काम करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो फाइल है इसमें क्या क्या है, इसका इफेक्ट इसको कैसे स्क्रीन करना है, कैसे यूज किया जा सकता है, इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियो सब लोग देखेंगे और इसका हाउ टू स्क्रीन ये सब इसका स्ट्रैटेजी वाला वीडियोस ये सब आप लोग देखेंगे तो इसका बारे में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग इसमें से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं और कैसे इस्तेमाल करके इसको रेगुलर बेसिस पे काम कर सकता है और इसमें क्या क्या है आप लोग को मिलेगा और आइडिया मिल जाएगा। और इसमें जो व्हाट्सएप में ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। ये लिए स्टॉक मार्केट में आप लोग रेगुलर इस्तेमाल करने से आप लोग को प्रॉफिट कमाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो इसमें देखिए मैंने इसमें बाइसल लेवल 1, 2 और 3 तीनों सेटअप बाइसल लेवल बनाता हूँ और इसमें मैंने बाइक पहले मैंने बाइसल लेवल 1 का दिखाता हूँ, बाइक का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बनाता हूँ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दोनों तरफ सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 8 का टारगेट 4 बनाता हूँ, टारगेट 5 टारगेट 8 दोनों तरफ रहता है। और इसमें गैप अप और गैप डाउन को कंसिडर कर लेना है, मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है वो देख लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोग को एंट्री लेना है। आप लोग का मेरा प्रीवियस परफॉर्मेंस वाला वीडियोज जो दिखाया हूँ वो आप लोग देख लीजिए, उसमें चार्ट में मैंने समझाया कि कैसे प्रैक्टिकली आप लोग को मतलब लाइव मार्केट में इसमें से एंट्री लेना है तो आप लोग को उसमें से पता चल जाएगा। ये है बाइसल लेवल 2, इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद दिखाऊंगा बाइसल लेवल 3 और इसका बाइक लेवल 3 का बाइक एंट्री लेवल R1 बाइक एंट्री लेवल। इसके बाद ये स्टैंडर्ड पेपर पॉइंट का बैंक आप लोग वोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए भी आप लोग एडी ले सकते हैं, पूरी इंडिया बैंड का मिड बैंड अपर बैंड लोअर बैंड का फाइव वोट कर सकते हैं, प्राइस चैनल का अपर बैंड लोअर बैंड वोट कर सकते हैं और डिफॉल्ट लेवल का वैल्यू नोट कर सकते हैं और डिफॉल्ट हो सकता है। इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा तो इसको आप लोग को स्टॉक मार्केट में नोट करने में बहुत आसान रहेगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जब दिखाया था उस टाइम भी लेवल दिखा दिया था, बाइसल लेवल दिखा दिया था और उसको भी आप लोग नजर रखेंगे तो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही मतलब मूवमेंट मॉनिटर करने से बहुत ही आसान हो जाएगा। बाइसल लेवल इसको भी आप लोग नोट कर सकता है, इसका पिवट पॉइंट वगैरह भी आप लोग को दिखा दूंगा, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा, कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा, ये भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपने कुछ दिन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मतलब जो अगला दिन का डाटा लेके जो मैंने वैसे लेवल देता हूँ वो लाइव मार्केट में नेक्स्ट डे लाइव मार्केट में बहुत ही बढ़िया काम करता है, आप लोग देख सकते हैं। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन स्ट्रेटजीज वगैरह देता हूँ वो भी अच्छा काम करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग काम कर इसमें काम कर सकते हैं। और मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को आस्था ट्रेड एंजल ब्रोकिंग ये सब आप स्टॉक्स इसमें ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकता है।
इसमें आप लोग को कुछ डिस्काउंट भी आप लोग को मिल सकता है। मेरा ये जो फाइल्स और स्कैन आप लोग को व्हाट्सएप में भी कॉल दे सकता हूँ। आगे फाइल एकदम तक ही आ जाए मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर सकता हूँ। बहुत से स्टडीज लेके आप लोग को कोशिश करूँगा कि सीओ कमिट दिला सकता हूँ। और इसमें फ्यूचर्स का लेवल भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने 100 डेज ईएमआई का स्ट्रेटेजी 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटेजी है ये है कि जिस जिस स्टॉक्स का जो करंट कैंडल का जिस करंट कैंडल को मैं जिस जिस कैंडल का काट किया है उसको नेक्स्ट डे जब 100 मूविंग एवरेज काट किया है उसका नेक्स्ट डे जब उसका हाइलो तोड़ेगा तो ये अच्छा मूवमेंट देता है। तो इधर मैंने आप लोग चार्ट में भी Thank you.